हाय गाइस, अभी LIC असिस्टेंट मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है तो बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि इम्पैनल कैंडिडेट्स क्या है, इसका मतलब क्या है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसे रीजन जिनका मिसिंग रिजल्ट है उनका कब तक आएगा। और जो है कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इम्पैनल कैंडिडेट्स बेसिकली कौन है। तो जैसे अगर आपने किसी भी जोन की, अगर आपने डिवीजन की लिस्ट देखी होगी तो उसमें यहाँ पर लिखा है कि इम्पैनल कैंडिडेट्स फॉर SC ST OBC EWS अनरिजर्व इन ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से उन्होंने सबके नाम वगैरह लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। अब इसका इन्होंने एक वैलिडिटी दे रखा है कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ इम्पैनलमेंट लिस्ट शैल बी मैक्सिमम 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन और टिल नेक्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो देखो, जो इम्पैनल कैंडिडेट्स कौन है, जस्ट लाइक अ बेटिंग कैंडिडेट, सपोज करो कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम है, सिलेक्शन हो चुका है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर किसी तरीके से कोई भी फॉर्मेलिटीज में वो फेल हो जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, LIC जो है इम्पैनल कैंडिडेट्स को कॉल करेगा, उनको बुलाएगा और फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू उनको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो वैलिडिटी पीरियड है ये इम्पैनलमेंट का, ये जो लिस्ट है इसका कितना रखा गया है, 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन और टिल नेक्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। जब तक कि अगला नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक, या फिर 2 साल, ठीक है। तो आप ये मान के चलें कि अगर 2 साल के अंदर में भी आपके पास कॉल आउट आ सकती है, वरना अगर ये 2 साल के बाद कभी इन फ्यूचर नोटिफिकेशन आएगा तो कोई डिपेंडेंसी इसकी नहीं रहने वाली। तो सीधी सीधी बात है कि इस लिस्ट की जो वैलिडिटी है, जो इम्पैनल कैंडिडेट्स हैं इनकी वैलिडिटी है, वो केवल 2 साल रहने वाली है, या फिर अगर 2 साल के अंदर रिक्रूटमेंट आ जाएगा तो उससे पहले पहले ये चीज़ हो जानी चाहिए, ओके। तो ये इन्होंने एक लिस्ट निकाली है, फिर कहा है द कैंडिडेट इन इम्पैनलमेंट लिस्ट विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट परमानेंट वैकेंसीज एज एंड वेन नीड अराइजेज विद इन द वैलिडिटी पीरियड मैंशन एबव, ओनली आफ्टर फिलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम द मेन रैंकिंग लिस्ट इट शुड बी नोटेड दैट नो राइट ऑफ परमानेंट अपॉइंटमेंट विल एक्वायर टू एनी कैंडिडेट इन इम्पैनल लिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ हिज हर ऑन नेम इम्पैनल लिस्ट, ठीक है। मतलब इनका कहना है कि पहले आप उन्हीं लोगों को फिल करेंगे जिनका नाम ऊपर की टॉप रैंकिंग में है, अगर इन द केस वो नहीं भरे जाते हैं तो जो वैकेंसीज बचती हैं फिर इसमें बुलाया जाएगा। तो आप क्लेम नहीं कर सकते परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है, सीधा सीधा बात है। और किसी भी तरीके का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई मेल मैसेज आपको फर्दर अभी नहीं भेजा जाएगा। आने वाले दिनों में जिन लोगों का केवल सिलेक्शन हुआ है उनके पास ही मेल मैसेज वगैरह समथिंग आएंगे फॉर्मेलिटीज मेडिकल के लिए। लेकिन जो आप पूछ रहे हो कि सर अगर मेरा इस लिस्ट में नाम है तो क्या मेरे चांसेस हैं, देखो चांसेस आपके तभी हैं, सीधी सी बात है, कि अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है और वो छोड़ देता है बीच में, या दे हैव मेड द प्रोविजन ऑफ इम्पैनलमेंट फॉर द वेरी सेम रीजन, इफ यू हैव मिस द कॉल विद जस्ट फ्यू डेसिमल्स देन श्योरली यू विल गेट अ कॉल, ठीक है। तो आपके पास आ सकता है मौका यहाँ पर, ओके। और साथ में दोस्तों कुछ बचे हुए जो रीजन है जिनका रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा, आप लोग वेबसाइट पर देखते रहो। मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में काफी सारे ऐसे जो डिविजन है जहां पर रिजल्ट अपडेट नहीं है, तो ये बहुत जल्दी वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा, ओके। और मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग सेलेक्टेड हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो लोग IBPS क्लर्क मेंस को अवॉइड कर सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि जो लोग अभी जॉब नहीं ले पा रहे हैं उनके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी और मौके और भी बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि ये भी क्लर्कल पोस्ट है वो भी असिस्टेंट पोस्ट है, अगर आप बहुत डाई हार्टेड हैं कि आपको जगह हर एक हालत में बैंक में ही जॉब करनी है, तब तो आप जाएंगे जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप मिस करना चाहें तो LIC इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आप यहाँ पर बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे, बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं AO तक की पोस्ट तक की जर्नी है, ओके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसको ज्वाइन कर लो, ओके, और आप अवॉइड कर सकते हो IBPS क्लर्क को, ठीक है, ताकि और लोगों के लिए वो मौके मिल पाए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि इस पर आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर डिस्कस करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, सो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपका डाउट जो था वो हमने यहाँ पर दूर कर दिया है, थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।